हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त निश्चल और आप देख रहे हैं मोबाइल इन इंडिया डॉट कॉम, प्योरली इंडियन। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं Huawei के Mate X3 के बारे में, जो कि एक बहुत ही पावरफुल फोल्डेबल फोन होने वाला है। तो शुरू करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, और जब हम स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। तो स्टार्ट करते हैं इसके डिस्प्ले के साथ। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले की और डिजाइन के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको 3200x1440 पिक्सल्स की इसमें आपको रिजोल्यूशन मिल जाती है, 120 हर्ट्ज की इसमें आपको रिफ्रेश रेट मिल जाती है। ग्लास की बात करें तो इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास मिल रहा है, एमोलेड की टेक्नोलॉजी होने वाली है। अगर स्क्रीन साइज की बात करें तो 8.4 इंचेस की इसमें आपको अच्छी खासी स्क्रीन मिलने वाली है, क्योंकि अभी लॉन्च नहीं हुआ, जल्दी लॉन्च होने वाला है। और हम बात करेंगे इसकी बॉडी टाइप के बारे में, तो इसमें आपको मेटल का फ्रेम मिल रहा है ग्लास केस के साथ। तो फ्रेंड्स, जब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके कैमरा की। तो फ्रेंड्स, जब हम बात करेंगे इसके कैमरा की, इसमें आपको ट्रिपल मेन कैमरा मिल जाता है, यानी कि पीछे वाला कैमरा मिल जाता है, जिसमें आपको 50 मेगापिक्सल, 16 मेगापिक्सल और 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है। और रिजोल्यूशन की बात करें तो इसमें आपको 4K@30 फ्रेम्स पर सेकेंड आपको मिल रहा है। डुअल LED फ्लैश इसमें आपको मिल रही है। सेल्फी कैमरा की बात करें, 32 मेगापिक्सल का इसका सेल्फी कैमरा होने वाला है, जिसकी रिजोल्यूशन आपको मिल जाती है 1080x30 फ्रेम्स पर सेकेंड की। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि फ़ोन बहुत ही पावरफुल होने वाला है, तो बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। जब परफॉर्मेंस की बात आती है तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके प्रोसेसर की। तो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको हाई सिलिकॉन किरिन 9000 का प्रोसेसर मिल जाता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी 3.13 GHz की। और प्रोसेस टेक्नोलॉजी की बात करें तो 5nm की इसमें आपको प्रोसेस टेक्नोलॉजी मिल जाती है। हारमनी OS 2.0 का इसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है। GPU की बात करें तो इसमें एड्रीनो 650 आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो अब बात कर लेते हैं इसके रैम और रोम के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको जो रोम मिल रहा है, यानी कि जो इंटरनल स्टोरेज आपको मिल रही है, वो आपको 3 वेरिएंट्स में मिल रही है, 128GB, 256GB, 512GB की। और सबसे बड़ी बात इसमें है कि इसमें आपको ऑन टॉप ऑफ इट आपको कार्ड स्लॉट मिल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, आप इसकी मेमोरी को एक्सपेंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके रैम के बारे में। रैम की बात आती है तो इसमें आपको दोबारा से 2 वेरिएंट मिल जाते हैं, 8GB का और 12GB का। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं इसके प्रोसेसर की, इसके रैम की, इसके GPU की, इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना पावरफुल ये फ़ोन होने वाला है कि आपको कहीं पे भी, किसी भी गेम में, किसी भी हैवी गेम में, किसी भी हैवी एप्लीकेशन में आपको डिसअपॉइंट ये बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसकी बैटरी के बारे में। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको 4500 mAh की बैटरी मिल रही है, जिसमें आपको फास्ट चार्जिंग मिल रही है 80W की, जो कि वायर्ड होने वाली है। और बात करें वायरलेस चार्जिंग की, तो वो भी आपको बिल्कुल मिल रही है, लेकिन वो आपको मिल रही है 25W की। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके साउंड के बारे में, इसके नेटवर्क के बारे में। तो अगर हम साउंड की बात करें फ्रेंड्स, इसमें आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिल रहे हैं, 3.5mm का हेडफोन जैक इसमें आपको बिल्कुल नहीं मिल रहा है। इसके लिए आपको एक कनेक्टर की जरूरत पड़ेगी, अगर आपको 3.5mm का हेडफोन जैक कनेक्ट करना है तो। नेटवर्क की बात करें तो बिल्कुल 5G होने वाला है, डुअल नैनो सिम का इसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं इसकी कनेक्टिविटी, इसके सेंसर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, कनेक्टिविटी की बात करें, इसमें आपको वाईफाई मिल रहा है, आपको ब्लूटूथ मिल रहा है, NFC भी इसमें आपको मिल रहा है। बात करें इसके सेंसर की तो फिंगरप्रिंट सेंसर इसमें आपको मिल जाता है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर आपको मिल जाता है, गायरो मिल रहा है, एक्सेलेरोमीटर मिल रहा है, कंपस भी मिल रही है। और बात करेंगे अगर इसके पोर्ट की तो इसमें USB टाइप सी पोर्ट मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, जब हम बात करेंगे इसके लॉन्च डेट के बारे में, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगस्त 2022 में ये लॉन्च हो जाना चाहिए। अगर बात करें इसके एक्सपेक्टेड प्राइस की, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसका जो प्राइस हो, जो इसका प्राइस होगा वो मिनिमम 240,000 रुपये, यानी कि 240,000 रुपीज़ का इसका प्राइस होना चाहिए। और वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। होपफुली जो इन्फॉर्मेशन हमने गैदर करके आपको दी, क्योंकि सारे अपकमिंग मोबाइल फ़ोन्स होते हैं तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारे लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर ज़रूर करना, और अगर कुछ भी कमी रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए सत श्री अकाल, सलाम, नमस्कार।